मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है होली के बाद वाला दिन, क्योंकि होली वाला जो ब्लॉग है नहीं कर पाए। सोचा था मैं कर लूंगा लेकिन नहीं कर पाए होली में। तो और मैं थोड़ा बिजी भी थे यार, कहाँ से कहाँ निकल के हम लोग पता नहीं चला। चलो अभी आज बृहस्पतिवार, तो मैं सुबह उठने के बाद ना रूम का हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही जितना तुम सोच सकते हो। ठीक है, तो इतना जो खराब है ना, पूरा रंग लगा हुआ है हर जगह। तो अभी आंटी आई है खाना बनाने के बाद, सब साफ करेगी, उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा रूम में। तो अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है रूम में, तो अभी ये कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बाहर जाता हूँ, बाहर जाके मैं कुछ चाय वगैरह पी के फ्रेश होके आराम से फिर आंटी बनाने पराठा बना लिया, पराठा खाता हूँ। कल रात को पता है, कल तो मेरा स्कैम हो गया। क्या स्कैम हुआ? मैं क्योंकि कल तो होली था, ठीक है, तो रात को 8 बजे 8:30 9 बजे से पहले तक जोमेटो ऑर्डर ले रहा था। तो उसके बाद ठीक है, जोमेटो ऑर्डर ले रहा है तो मैं था 9 बजे के बाद भी कर लूँगा, मुझे पता नहीं था। मैं 9 बजे के बाद गया ऑर्डर करने के लिए, तो बोल जोमेटो बोल रहा है अभी ऑर्डर नहीं लेंगे, अभी हम लोग का पूरा रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है। तो मैं बोला ठीक है, फिर मैं लेकिन तब भूख लगा था मुझे, तो 10:30 10:30 बजे फिर मैं ओपन किया, फिर ऑर्डर ले रहा जोमेटो। तो ठीक है, ऑर्डर कर रहे थे, बहुत कुछ ढूंढने के बाद पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, डोमिनोज से। तो पिज्जा ऑर्डर करने का जो ये था, पिज्जा मैं ऑर्डर कर लिया हूँ। मेरा पिज्जा के साथ मेरा जो रिलेशन है बहुत ही घटिया है, मतलब मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ बहुत ही लेट आती है। ठीक है, तो मैं डोमिनोज से नहीं किया हूँ, मैं इससे कर दिया हूँ, क्या बोलते जोमेटो से कर दिया हूँ, जोमेटो से डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया हूँ, डोमिनोज का ऐप से नहीं किया हूँ। तो क्या हुआ, पिज्जा 10:30 बजे मैं किया हूँ, 10:30 से 11:30 12, फिर भी मुझे दिखा, जब से मैं ऑर्डर किया तब से दिख रहा था 9 मिनट 9 मिनट, फिर 2 घंटा बाद मुझे 9 मिनट दिखा रहा है। मुझे लगा नहीं आएगा, तो मैं कल सुबह मैं रात को मैं बहुत ट्राई किया कस्टमर केयर से बात करने के लिए और जोमेटो वाले से बात करने के लिए, ठीक है, डोमिनोज का कस्टमर केयर से बात करने के लिए, कोई फोन स्टोर मैनेजर भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो भाई नहीं है तो कैंसिल कर दो, कैंसिल करके मेरा पैसा रिटर्न कर दो, वो भी नहीं किया। सारे एक देर बज रहा होगा, देर बजने क्या किया, वो लोग बोल दिया तुम्हारा पिज्जा डिलीवर हो गया, और मेरे पास पिज्जा आया भी नहीं, डिलीवर ऐसे ही कर दिया, अपने मन से कर दिया, पता नहीं क्या कर रहा है। तो अभी मैं उन लोगों को भी फ़ोन करूंगा, उन लोगों को सुनाऊंगा, फिर मैं फोन कर जब पिज्ज़ा आया मेरे पास तो डिलीवरी कर दी हो। और ये अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा बाहर से कुछ काम करके, फिर आते हैं आने के बैठ के उनको फ़ोन करते हैं। चलो ठीक है, फिर देखता हूँ अपडेट क्या होता है, ठीक है। सो कुछ देर पहले मैं बात किया था डोमिनोज से, ठीक है, तो अभी बज गया है, देर बज गया है, मैं 12 बजे बात किया था उन लोगों के साथ। तो मैं जो कुछ काम था, काम निपटा के मैं 12 बजे बात किया था। बात करने के बाद अभी मैं नहाया भी नहीं हुई और नहाना पड़ेगा मुझे। तो बात करने के बाद मैं बोला था मेरा जो पार्सल है, हाँ वो पार्सल तो मेरे पास कल आया नहीं है, तो गया कहाँ पर, ठीक है। तो मैं जोमेटो में पहले मेल किया हूँ, जोमेटो बोला 72 घंटे में मुझे रिप्लाई देगा। तो मैं डोमिनोज स्टोर पर फोन किया हूँ, तो उन लोग बोल रहा है अभी तो सर मुझे पता नहीं क्या हुआ है, डिलीवरी बॉय निकला है, ठीक है, लेकिन आपके पास आया क्या नहीं आया मुझे, हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो मैं बोला भाई तुमको कैसे पता चलेगा, मैं बोल रहा हूँ इधर जो जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और जिस घर में रहता हूँ, सब हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर से एंट्री भी होती है, कोई भी डिलीवरी बॉय आती है एंट्री होती है, तुम्हारा डिलीवरी बॉय इधर आया है तो एंट्री तो होगा, ऐसे तो छुप के तो नहीं आके देखा जाएगा मुझे। तो बोला सर ठीक है, तो मैं एक बार डिलीवरी बॉय को फोन कर लेता हूँ, फोन करके पूछता हूँ क्या होगा, 1 घंटे में कॉल करूंगा आपको। अभी 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया, उन लोग कॉल नहीं किया है, हाँ 1:30 बज गया 1.5 घंटा हो गया कॉल नहीं किया है। अभी मैं कॉल करता हूँ, मैं फिर पूछता हूँ, फिर आपको आप लोगों को दिखा तो क्या बोलता है, मतलब भाई हद है यार। कल ऑर्डर किया, ऑर्डर कर आया नहीं है, डिलीवरी भी हो गया है, फिर उन्होंने बोल रहा है मैं डिलीवरी बॉय को फोन करके पूछूंगा कहाँ गया वो ऑर्डर लेके। भाई क्या कर रहा है, रात को देखो तुम्हें ऑर्डर लेना नहीं है, ले नहीं पा रहे हो, ऑर्डर का रश ज्यादा है, डोमिनोज के साथ बहुत ऐसा होता है मेरा, क्योंकि जितना बार भी मैं ऑर्डर करता हूँ वो लोग टाइम से ऑर्डर कर देता ही नहीं है। डोमिनोज पहले का डोमिनोज अलग था, क्योंकि कल मैं सोचा ऐसे भी डोमिनोज से मैं पिज्जा वगैरह ऑर्डर नहीं करता हूँ, कल मैं मन हो गया था चलो ऑर्डर कर, क्योंकि मोजो का पिज्जा खाता हूँ, डोमिनोज का अभी इतना अच्छा होता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करूँ, क्या कल कर दिया हूँ, कोई रेस्टोरेंट था नहीं, लेकिन कभी भी मैं डोमिनोज के साथ ना बहुत ही गंदा गया रिलेशन। तो मैं अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्होंने फोन करके करेगा बोला था, फोन किया नहीं है, तो अभी मैं उनको फिर सुनाऊंगा फोन करके। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे बोलता हूँ, बात करता हूँ, चलो। मैम मैं अभी 5 मिनट पहले मैं कॉल किया था, ठीक है, ये मुझे एकदम से बात हुआ है, मुझे नाम याद नहीं है,
तो मेरा जो ये था प्रॉब्लम था, मैं कितना प्रॉब्लम बोलूँ, चलिए मैं प्रॉब्लम बोलता हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम था, कल मैं एक पिज्ज़ा ऑर्डर किए थे डोमिनोज से, ओके, मेरे पास पिज्ज़ा पहुँचा नहीं है। रात को मैं 10:53 पे मैं ऑर्डर किया हूँ, मेरे पास ऑर्डर पहुँचा नहीं है, लेकिन ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास दिखा रहा है ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है, ओके। ऊपर से 2 से 2.5 घंटा बाद मुझे ऑर्डर मिला है, जो मुझे 30 मिनट में मिलना चाहिए था, वो 2.5 घंटा बाद ऑर्डर का ये हुआ है, बोला मैसेज आया है तुम्हारा ऑर्डर निकल गया है, आउटफुट डिलीवरी हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद मैं जब देखता हूँ ऑर्डर डिलीवर कर दे, लेकिन मेरे पास वो पिज्ज़ा वगैरह कुछ पहुँचा ही नहीं है मेरे पास। मतलब अभी तक आपको वो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ है सर? प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ है अभी। आपका जो है, मैं कस्टमर केयर से बात किया, एक जन से उनसे थोड़ा बात किए, उन स्टोर में फ़ोन लगाया, स्टोर वाला लोग, स्टोर वाला से भी बात किया सुबह, ठीक है। तो उन लोग बोले डिलीवरी जो पर्सन है वो आया नहीं है। अभी भी बात किए, अभी भी आप लोगों का कॉल सेंटर से एक जन स्टोर में कनेक्ट करके दिया है, उन लोग भी बीच में बात करके फ़ोन काट दिया है। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं माफी चाहूंगी आपकी असुविधा के लिए। आप प्लीज मेरे मोबाइल नंबर बता सकते हैं जिस नंबर से आपने ऑर्डर प्लेस किया है? मिस्टर हाँ लिखिए, राइट या रोहन, सर, आप मुझे आपका ऑर्डर नंबर बता सकते हैं? रोहन जी प्लीज, 233। 233। ओके, जिस सर आपने चिकन कीमा एंड अनियन विद देसी मखनी सॉस और चिकन पार्सल और एक पेप्सी का बॉटल ऐड किया था, राइट? हाँ, देखिए मैम, सर अभी तक क्या ऑर्डर आपको? हाँ जी अभी बताइए। तक मुझे, मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ है, और मेरे पास मैसेज आया है ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है, ओके। देखिए कोई भी बंदा मेरे पास आएगा तो मेरे सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा एंट्री पॉइंट और मेरे घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। कोई बंदा आया नहीं है, झूठ बोल रहा है, सब कोई बोल रहा है ऑर्डर आ चुका है, लेकिन ऑर्डर आया नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मुझे तो अभी केस करना पड़ेगा अगेंस्ट आप लोगों के ऊपर, डोमिनोज के ऊपर और जोमेटो के ऊपर। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, उन सर लोग आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, कोई ना स्टोर मैनेजर कोई रेस्पॉन्स कर रहा है, ना उधर डोमिनोज से मुझे कोई ई मिल रहा है, ना जोमेटो से मुझे कुछ मिल रहा है। सर माफी चाहूंगी मैं आपकी असुविधा के लिए, मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक कंप्लेंट रेज कर रही हूँ। हाँ जल्दी जल्दी करिए अभी। मैं आपके लिए खुद एक कंप्लेंट रेज कर रही हूँ कि ऑर्डर के ऊपर से आपको डिलीवर तो दिखाई दे रहा है लेकिन अभी तक आपको डिलीवर नहीं हुआ है। तो उसको मुझे कैसे क्या करना है आप मुझे बताइए, कैसे आप क्या करेंगे अभी, या स्टोर मैनेजर से बात करवाएंगे, किससे बात करवाएंगे, या आप क्या करेंगे। सर मैंने कंप्लेंट रेज कर दिया है, आपको स्टोर मैनेजर को कॉल करने की जरूरत नहीं, जो रेस्टोरेंट टीम है वो रेस्टोरेंट टीम खुद आपको कॉल कर, क्योंकि मैंने आपके लिए अभी कंप्लेंट रेज किया है। आपका कंप्लेंट नंबर है 512-5554, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको इसका एक SMS दिया आएगा, आ गया। आया होगा सर जी। आपको कोई कॉल करने के लिए सर within 24 hours, जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द आपको रेस्टोरेंट टीम से कॉल बैक आएगा और फिर वो आपको आपका कंप्लीट रिसोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी मुझे, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अभी फिर आप 24 आवर्स के लिए मुझे बैठे रहना पड़ेगा फिर। नहीं सर, जल्द से जल्द आपको रेस्टोरेंट टीम से कॉल आएगा और वो आपको आपका कंप्लीट रिसोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। मैम मैं तो सुबह से वही बात सुन रहा हूँ, सुबह मैं उनसे बात, स्टोर मैनेजर से बात किया, और स्टोर मैनेजर बोल रहा है मेरा जो डिलीवरी जो बॉय है वो आया नहीं है सुबह से, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। वो बोले मैं आपको कॉल करता हूँ 1 घंटा बाद, 1 घंटा से अभी 2 घंटा हो गया, उन कॉल नहीं किया। अभी उनसे बात हुआ, जो आपका जो कस्टमर केयर मुझे फ़ोन लगा के दिया था उनके साथ, बोला अभी तक वो बंदा आया नहीं है। तो मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ, मुझे क्या मिल सकता है आप लोगों की तरफ से, वो बताइए। निश्चिंत रहिए, आपकी इसमें डेफिनेटली हेल्प की जाएगी और जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो इशू है वो मैंने अभी जस्ट रेस्टोरेंट टीम को हाईलाइट किया है, तो रेस्टोरेंट टीम से आपको डेफिनेटली सर एक कॉल बैक आएगा। आप लिए ओके मैम, ओके। सो मतलब अगले 24 आवर्स के अंदर मेरे पास कॉल आएगा, ओके राइट। जी सर, 24 आवर्स के अंदर अंदर जल्द से जल्द आपको रेस्टोरेंट टीम से कॉल बैक आएगा ओके और वो आपको आपका कंप्लीट रिसोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए सर, ओके ओके मैम, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आपका इश्यू जो है हमारे सीनियर डिपार्टमेंट को हाईलाइट करवा देंगे सर। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। वेलकम। इसके अलावा क्या है?
और कुछ नहीं मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग डोमिनोज। फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी यू कैन गो टू द चैट फॉर पॉजिटिव। थैंक यू, बाय। शायद बहुत दिन हो गया मैं अभी तुम लोगों से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोपहर को कॉल करने के बाद ना मैं फिर नहा धोहा के फिर खा पी के मैं सो गया था, ठीक है। फिर अभी मैं 2 घंटे पहले उठा हूँ, कुछ मीटिंग वगैरह अटेंड किया हूँ मैं, तो सब कुछ करने के बाद भी अभी तक ना उन लोगों का कुछ मेल आया, ना कोई कुछ भी उन लोग ऊपर से कुछ एक्शन नहीं है, ना स्टोर मैनेजर से एक्शन है, ना कहीं से भी कुछ एक्शन नहीं है। सो मैं ये ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, मैं ये इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ, मतलब ये ऐसे मतलब कोई भी जिसके ऊपर हम लोग इतना भरोसा करते से हो गया, डोमिनोज हो गया, जोमेटो हो गया, उन लोग को हम लोग कैश में अभी तक तो पे करते नहीं, बहुत कोई कैश में पे ही नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन पे करते थे, ऑनलाइन पे करने के बाद भी ऐसा करके हम लोग को सब कुछ को देखना पड़ेगा, ऐसे करके सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ ऐसे ऐसे दिक्कत होगा ना, तो कैसे होगा। सो मैं उन लोगों को मैं जोमेटो और इंस्टाग्राम जोमेटो डोमिनोज को मैं टैग करूंगा और पूछूंगा क्यों हुआ है, ठीक है। तो चलो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, और जो है ब्लॉग देख रहे हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जोमेटो और डोमिनोज से क्वेश्चन करना ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा करेगा तो हम लोग बॉयकट करेंगे जोमेटो एंड डोमिनोज। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। सो गुड आफ्टरनून गाइज। तो मैं आज है कितना तारीख है, आज 9 तारीख है ना, 10 तारीख है, और आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख था। तो मैं कल ही वो सब वीडियो बनाया था डोमिनोज का, तो अभी भी मुझे मेरे पास कॉल नहीं आया है। तो उससे पहले मैं दोपहर को भी मैं उन लोगों को कॉल किया था कस्टमर केयर में, उन्होंने बोल 3 बार कॉल कर चुका हूँ मैं, उन्होंने बोला आधा घंटा, उसके बाद बोले 15 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, कॉल आएगा, लेकिन कॉल अभी तक नहीं आया है, शायद आ सकता है अभी कॉल। अभी कॉल आने के बाद मैं देखता हूँ क्या बोलता है, उसके बाद मैं बाद में अपडेट करता हूँ। लेकिन ये जो काम हुआ ना, ये जो ऐसे जो काम किया ना वो लोग, बहुत ही गंदा काम किया है। मतलब स्टोर मैनेजर से बात करवा रहा है, उससे बात करवा रहा है, भाई जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं किसी की कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है, पेमेंट करता हूँ मैं, पेमेंट करने के बाद तुम कुछ दे पा रहे हो तो सही है, नहीं दे पा रहे हो तो रिटर्न कर दो पेमेंट, ठीक है, ऐसा होता है ना, ऐसे तुम पैसा लेके किसे ये कर लोगे। तो चलो वही बात था मेरा, ठीक है, वही मुझे बात करना था। तो आज मैं ब्लॉग नहीं किया हूँ, तो इसीलिए वो ब्लॉग मैं आज डाल दे रहा हूँ। तो मैं एक बार पहले सोचा था मैं वो ब्लॉग डालूंगा नहीं डोमिनोज और उसके ऊपर नहीं डालता हूँ, शायद किसी की गलती होगा, लेकिन आज मैं डालना पड़ेगा ही, लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं आया, मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं सोच डाल ही देता हूँ। ओके चलो बाय। वीडियो का जो देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट ब्लॉग आ जाएगा जल्दी, ठीक है, बाय।